चलदा है सदा लंगर पंज तन दे घराने दा, चलदा है सदा लंगर पंज तन दे घराने दा। रब दी बना देंदे सौ रब दी बना देंदे सुल्तान जमाने दा, सौ रब दी बना देंदे सुल्तान जमाने दा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है नौ मुहर्रम, जो रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जो है हमने कुछ खैरात का इंतज़ाम किया है आज का, और स्पेशली कल का जो दिन है 10 मुहर्रम, हम सब लोगों के लिए बहुत ही जैसे कहते हैं एक बड़ा दिन होता है वैसा है। ये व्लॉग जो है मैं पहले बता रही हूँ, ये लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह 11 मुहर्रम को। तो ये जब आप देख रहे होंगे तो तब उस दिन 11 मुहर्रम है, बट रिकॉर्ड मैं पहले कर रही हूँ कि 9-10 मुहर्रम का मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दी थी कि थोड़ा मुहर्रम का लिहाज एहतराम होता है, उसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर लूँ, थोड़ा आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया इन दिनों में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज मुहर्रम 9 मुहर्रम अल-हराम है और हम लोग न्याज कर रहे हैं और लंगर बांट रहे हैं, तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये हम कोई दिखावा वगैरह नहीं कर रहे, बट ये है कि इससे मोटिवेशन होती है, लोग भी देख के फिर करते हैं तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हलीम की देख आ चुकी है और ये नान वगैरह सब कुछ आ चुके हैं, तो अभी हम बिस्मिल्लाह करके जो है बांटने लगे हैं। पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर हम जो है इसका ढक्कन उतारेंगे। बिस्मिल्लाह, जो उठा दो यार जल्दी, ये उठा दो, इसको है वो मेरे हाथ। हम छायों में यहाँ पे करीब करीब ही बांटने जा रहे हैं घरों में, थोड़े थोड़े से प्याज और सारी चीजें डालनी है मम्मा हर डब्बे में। उठाओ ये, उठाओ ये, दो दाव दे, उठा लो उठा लो उठा लो, दाव दे, किसको देने, देख वो तेरे पास ही आ गए तुझे देने, किसको देने आपने, ये ददामी को, जाओ दे ददामी को दे, बोलो हाँ डाडी दो, हम दो दे दो मुझे। ओ माँ शद के मेरा बच्चा, ये बांट रही है, दे दो मुझे, ये छोटी छोटी वो भी दे दो, इतने क्यूट तरीके से लेके आ रही थी ना वो। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है हमारा जो है लंगर हमने सारा डाल लिया डब्बा वगैरह में, बस अल्लाह ताला को भूल करें हमारे इसको, और इनके हालात आप देख रही हैं क्या हुई है, है ना वही ना, अब माशाल्लाह से देख हमारी खाली हो चुकी है। और ये जो है हमने डब्बे डिस्पोजेबल में बना लिए हैं कुछ बढ़ने के लिए, नानों को कवर करके रख दिया है, और बाकी ये भी हमने रख लिया है कि ये अलग ऐसे नान के साथ देंगे। आर यू रेडी, चलें चलते हैं फिर दिखाते हैं आगे क्या। चलो पैक को करें। हाँ जी, तो अब हम अपने सफर को निकल पड़े हैं, सामान भी हमने लोड कर लिया है, पीछे भी कर लिया और आगे जो है सवारियां लोड हो चुकी हैं। ये मोहम्मद हैदर जो है ना, ये बहुत बहुत डैश इंसान है, इधर देख क्या कह रही हैं आप है? क्या कह रही है? मैं इतनी इतनी बैलें दे के उनको तंग कर रहा है, जिस घर में भी भाई साहब जा रहे हैं ना इकट्ठी इकट्ठी बैलें, जल्दी 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 मेरे को रोजा है, जल्दी करें, अल्फाज यही है मेरे को रोजा है, जल्दी करें जल्दी करें। ना घर क्यों मैं पहले 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 ड्यूटी पहनने लगा दी है, इस मिस्टर की तबीयत खराब, एक्सक्यूज मी, आर यू ओके, लग रहा है कितना, लग रहा है थोड़ा, लग रहा है ज्यादा, लग रहा है इधर तो देखो। आ जाए, हेलो, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है,
हाँ जी, तो ये अब हम जो है हॉस्पिटल वाली साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे शेल्टर हाउस है। अब जो हमारा बांटने का था कि हमने ये बांटना है, नान वगैरह कुछ यहाँ पे बांटेंगे, तो आपको दिखाते हैं कि बैठे भी हुए हैं। अब जो है हमारी गाड़ी में ही इफ्तारी हो रही है, पानी मिल जाता है जी। तो अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, अभी बिस्मिल्लाह करके शुरुआत करने लगे हैं। चम्मच किधर है? चम्मच जी, डालने वाला चम्मच कहाँ है? ये फटा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से लंगर जो है हमारा अच्छे से बट गया है। अभी लोग भी आ रहे हैं और जो है ये देखें तकरीबन चक्कर हो गया। अंदर बैठ जाए। हाँ जी, तो थक हार के अब हम घर आ चुके हैं और अब तारी हमारी लग चुकी है। हलीमा आप किधर थी? पप्पू ने आपको बहुत मिस किया था। इस बदतमीज़ ने बहुत जरूर किया, बहुत सवाल निकल पड़ते हैं और तंग करता है। नहीं छेड़ो चीज़ों को हैदर। हाँ, ऐसे सर खा रहा था हमारा। 2000 years later. हाँ जी, तो कल जो है जैसे आप लोगों ने देखा था कि हम वहाँ पे बांटने गए हुए थे और फराज वगैरह बांट के अफ्तारी की थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ भी क्लिप बनाया था। अफ्तारी के बाद जो है वो तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, इसलिए मैं उन लोगों को कंटिन्यू नहीं कर पाई। थोड़ी वो हिम्मत नहीं थी कंटिन्यू करने की, कुछ करने की। तो इसलिए फिर मैंने आज जो है मैंने सोचा कि क्यों ना आज कंटिन्यू करूँ। अभी जो है वो मैंने कुछ ख़त्म का सामान बनाया था, मतलब कीमा बनाया था और खीर वगैरह घर में बनाई थी कैसे ख़त्म करवाने के लिए। तो ये देखें, ये मैंने बनाया है कीमा बुनावा और यहाँ पे ये सामान बना हुआ है दही बलों का। ये रोज़ा है सबको, तो अफ्तारी की ये जो है खीर बनी हुई है, खीर बनाई थी। यहाँ पे ये कुछ ख़त्म का सामान लगा हुआ है, पानी शानी। अभी दूध भी है वो फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। अब बस वेट हो रहा है अफ्तारी टाइम का। तो और जैसे ये चीज़ें बनती हैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ क्या करते हैं। आपको ध्यान देते हैं आज जो है वो मुझे भी रोज़ा है, मामा को भी रोज़ा है, भाई ने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए फिर आज हम सब दोनों को रोज़ा है। और अभी हम दिखाती हूँ मैं फिर आपको हमारे वीडियो करके। हाँ जी, तो आज जो है वो अभी मैंने इस तरह से आपको दिखाया कि ख़त्म वगैरह का सिस्टम करके सारा। तो अफ्तारी टाइम कुछ गेस्ट आ गए थे उसकी वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी जो है वो मैं व्लॉग एडिट करने लगी थी, मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो जितनी थोड़ी बहुत ये व्लॉग था आज का बस इतना ही था। थोड़ी थोड़ी अपडेट्स मैंने दी थी दे दी क्योंकि इन दिनों में एक तो रोज़े रखे हुए थे, फिर ऊपर से लंगर वगैरह खैरात वगैरह की हैं तो थोड़े बिजी दिन थे। ऊपर से रात जो है कुछ मेहमान वगैरह आ गए थे तो मसरूफ थी इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बाकी जो है कैमरा शायद लोग होते हैं, आप हर किसी का नहीं लेके आया जा सकता। तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो लोग सब पसंद आया होगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो मैंने न्याज का या नंबर कहने न्याज कहने जो मर्जी कहने जो मैंने दिखाया है कैप्चर किया, ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं था। ये सिर्फ इसलिए कैप्चर किया है कि लोग समझते हैं कि ये ऐसे करना भीद होती है या इस तरह होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग जो है आले मोहम्मद के लिए, हम लोग जो आले मोहम्मद के लिए करते हैं, वैसे भी हम लोग खैरात पूरे साल में करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल डेज हों या वो हों, बट ये एक होती है कि इन दिनों में हमें करनी चाहिए। तो हम लोगों ने की है ये अपनी हमारे दिल की तस्कीन की। और आप लोगों से शेयर करने का मकसद बस इतना है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, वो देखें और उनको थोड़ी सी हिदायत मिले।
मकसद सिर्फ यही था दिखाने का, और उम्मीद है बाकी लोगों ने जो कहना है कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलता है सदा लंगर पंज तन दे घराने दा, चलता है सदा।